क्या आप जानते हैं कि 60% ऑफ द यूएसए पॉपुलेशन ये मानती है कि हम अपने ब्रेन के पोटेंशियल का केवल 10% हिस्सा यूज कर सकते हैं। ये एक मिथ है। आइए अब ये जानते हैं कि ये मिथ इतना पॉपुलर क्यों है। ये सच है कि आप और हम अपने अनअवेयरनेस की वजह से अपने ब्रेन के कंप्लीट कॉग्निटिव कैपेसिटी का केवल एक छोटा सा हिस्सा अपनी पूरी लाइफ टाइम में यूज कर पाते हैं, और यही कारण है कि इस मिथ ने इतनी स्ट्रॉन्ग जगह बना ली है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने ब्रेन के फुल पोटेंशियल का यूज ही नहीं कर सकते। अगर आप अपने कॉग्निटिव पोटेंशियल को ब्रेन ट्रेनिंग की हेल्प से पूरी तरह अनलॉक कर लें, तो आपके लिए कुछ भी अचीव करना मुश्किल नहीं होगा, और उस कॉग्निटिव कैपेसिटी की मदद से आप अपने लर्निंग प्रोसेस को 10x बढ़ा सकते हो, यानी कि 10 गुना बढ़ा सकते हो। आज की इस फास्ट ट्रैक लाइफ में फास्ट लर्निंग एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है, जिसके बारे में ना ही कोई बात करता है, और ना ही ये स्किल आपको अपने स्कूल या कॉलेज में सीखने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही हैक्स और ट्रिक के बारे में बात करेंगे जो आपको इसे अनलॉक करने में हेल्प करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। क्या आपने ये नोटिस किया है कि इस पैंडेमिक ने हमें यह समझा दिया है कि जिंदगी में सर्वाइवल के लिए कंटिन्यूस लर्निंग कितनी जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोई भी नई स्किल जल्दी और इफेक्टिव सीखी जाती है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कोई भी नई स्किल जल्दी कैसे सीखें, तो ये वीडियो आखिर तक हर एक सेकंड जरूर देखें। टिप नंबर 1, हमारी सबसे पहली टिप है आपके लर्निंग स्पीड को बढ़ाने के लिए, एंड दैट इज मॉर्निंग एंड नाइट लर्निंग टेक्निक। आई थिंक इस ट्रिक के फायदे के बारे में हम सबको बचपन में पेरेंट्स या टीचर ने बताया होगा, और अगर मैं सच कहूँ तो मैंने खुद ने इस ट्रिक को आजमाया है और इससे फायदा उठाया है। अगर हम थोड़ा सा साइंस की बात करें तो ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स रात को सोने से पहले हुई बातों या चीजों को याद रखते हैं। तो अगर आप किसी भी स्किल या हैबिट को रात को सोने से पहले प्रैक्टिस करें या पढ़ें, तो उस स्किल को आपका दिमाग बहुत ज्यादा रिटेन करता है और उसे याद रखता है। और अगर आप उस सेम चीज को सुबह उठकर रिफ्रेश्ड ब्रेन से वापस से पढ़ते हो, तो दिमाग उसे अनलॉक कर लेता है, या वापस से उसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपके दिमाग में वो चीज बस जाती है और आप उस चीज को लंबे समय तक याद कर पाते हैं, लंबे समय तक आपकी उस चीज पर पकड़ रहती है। यदि यही प्रैक्टिस आप कुछ समय तक लगातार करें, तो आप उस स्किल या हैबिट को बहुत जल्दी डेवलप करेंगे और उसे रिटेन कर पाएंगे, जिससे आपकी जो लर्निंग की स्पीड है ना, वो बहुत तेज हो जाएगी और आपका दिमाग उसे गहराई में लॉक कर लेगा, जिससे आप उसे भूलेंगे नहीं। टिप नंबर 2, आज की हमारी दूसरी टिप है 100% फोकस्ड लर्निंग एंड प्रैक्टिस। आप में से ज्यादातर लोग कोई नई स्किल सीखने को तो उत्सुक रहते हो, पर उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, और यही कारण है कि कुछ भी ब्रेन में रिटेन करना मुश्किल होता है। लर्निंग की स्पीड बढ़ाने के लिए सीखना, प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी होता है। हमारे साइंटिस्ट भी कहते हैं कि आपका सीखना यानी कि आपका जो इनपुट है, दैट शुड बी 40%, और जो आपकी प्रैक्टिस है यानी कि जो प्रैक्टिकल काम आप कर रहे हो, आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जो आपका आउटपुट है, दैट शुड बी 60%, यानी कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा मायने रखती है, और यही प्रोसेस आपके लर्निंग को स्पीड अप कर सकता है। लर्निंग के लिए 100% फोकस क्यों जरूरी है, इस बात को अगर एक एग्जांपल के जरिए पे समझे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्या आपको याद है कि जब बचपन में आप साइकिल चलाना सीख रहे थे और आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, तो आपकी साइकिल लर्निंग प्रोसेस ब्रेक होती थी और आप शायद एक छोटे से एक्सीडेंट का शिकार भी हो जाते होंगे। यही थ्योरी हमारे लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर भी अप्लाई होती है। अगर आप अपनी लर्निंग पर 100% फोकस नहीं करेंगे और डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो आप किसी भी हैबिट को या स्किल को ना तो फास्ट सीख पाएंगे और ना उस लर्निंग को आप रिटेन कर पाएंगे। इस ट्रिक का सेकंड पार्ट है प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसके अलावा हम दूसरा एग्जांपल ड्राइविंग का लेंगे। अगर आप ड्राइविंग से रिलेटेड सारी थ्योरी सीख और समझ आते हो पर प्रैक्टिस ही नहीं करते हो, तो आप कार चलाना सीख पाएंगे? इसका आंसर यही है कि आप नहीं सीख सकते। कोई भी लर्निंग प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंटेशन की डिमांड करती है। अगर आप कोई भी स्किल, हैबिट या इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं और उसकी लर्निंग को कहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उसको यूज नहीं कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो लर्निंग है ना, वो इनकम्प्लीट रहेगी, कमजोर रहेगी। आप ना तो उसको रिटेन कर पाएंगे और ना ही उसको रिकॉल कर पाएंगे। आज की ट्रिक नंबर 3 है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ये भी रिसर्चर्स और स्कॉलर्स के द्वारा बताया गया है कि अगर आप कोई नई चीज सीख रहे हैं और आप उसे किसी दूसरे को समझाते हैं या सिखाते हैं, तो आप उस लर्निंग को रिटेन और रिकॉल करने की अपनी जो ब्रेन पावर है, उसको आप इंक्रीज करते हैं। ये प्रोसेस आपके उस सब्जेक्ट मैटर के स्किल को डेवलप करने के साथ ही आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग
लाइफ स्किल भी इम्प्रूव करती है, क्योंकि ये जो नॉलेज शेयरिंग है वो आपको उस सीखे हुए स्किल पर रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करती है। और रिफ्लेक्शन किसी चीज को जल्दी सीखने का एक की फैक्टर होता है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग या लर्निंग बाय टीचिंग के इस मेथड को इस नाम से भी जाना जाता है जो आपकी स्क्रीन पर है। मैं आपसे ये चैलेंज भी कर सकता हूँ कि आपने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि सीखने का सबसे अच्छा और सरल तरीका उसे दूसरों को सिखाना होता है। रिचर्ड फेनमन के अनुसार अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को किसी 5 साल के बच्चे को ना समझा सकते हैं तो उसका अर्थ है कि आप उस सब्जेक्ट को खुद मास्टर नहीं कर पाए। हमारी आपके लर्निंग स्पीड को बढ़ाने के लिए फोर्थ ट्रिक है पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक आपके ब्रेन के अटेंशन स्पैन टाइम के अकॉर्डिंग काम करती है, जिससे आपका ब्रेन किसी चीज को जल्दी और लंबे समय के लिए कैप्चर कर पाता है। इस मेथड को फ्रांसिस्को सिरिलो के द्वारा लेट 1980s में डेवलप किया गया था। ये एक टाइम मैनेजमेंट का तरीका है जो आपके लर्निंग स्पीड और फोकस को इम्प्रूव करता है और आपको किसी भी चीज को याद करने में, उसको जल्दी सिखाने में आपकी हेल्प करता है। इस टेक्निक का रूल ये है कि आप एक टास्क लेंगे और उसे 25 मिनट्स के लिए घड़ी के अलार्म के साथ में करेंगे। उसके बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना होगा। ये पैटर्न आपको 4 बार रिपीट करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको 30 मिनट का एक लंबा ब्रेक लेना पड़ेगा। इस तरीके को फॉलो करने से और एक शॉर्ट टाइम स्पेन के लिए पूरे फोकस के साथ किसी एक चीज को करने से आपका ब्रेन उसे अच्छे से रिटेन करता है और ये आपकी लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। ये मेथड मल्टीटास्किंग की जगह सिंगल टास्किंग को इम्पोर्टेंस देता है। हमारी फिफ्थ टेक्निक का नाम है चंकिंग या लर्निंग बाय माइक्रो टू मैक्रो। ये जो फिफ्थ मेथड है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लर्निंग मेथड है। इस मेथड को चंकिंग कहा जाता है, जिसका मतलब किसी बड़े पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड करना। इस मेथड को जॉर्ज मिलर नामक साइंटिस्ट ने 1956 में अपने एक रिसर्च पेपर में इंट्रोड्यूस किया था। उनके अनुसार ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, वो एक टाइम पर केवल 7 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन को याद कर सकता है। इसलिए अगर बड़े टास्क को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके प्रैक्टिस किया जाए तो आपका ब्रेन उस चीज को अपनी मेमोरी में अच्छे से स्टोर कर पाता है। जैसे हम इसे चेस के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, अगर आप चेस सीखना चाहते हैं और शुरू में ही चेस की सारी गोटियों को और उनकी चाल को समझने की कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ अपने ब्रेन को कंफ्यूज करेंगे। पर अगर आप इसी प्रोसेस को चंक्स में डिवाइड कर दें, जैसे कि पहले सिर्फ 2-3 गोटियों की चाल को समझेंगे और उनपे फोकस करेंगे, तो आप जल्दी और अच्छा सीख पाएंगे। इस मेथड को माइक्रो टू मैक्रो लर्निंग भी कह सकते हैं, मतलब टारगेटिंग स्मॉल पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन और उसके बाद उसके बिगर एस्पेक्ट को सीखना और समझना। पॉइंट नंबर 6, आज के लिए 6th और लास्ट हैक जो हम आपके फास्टर लर्निंग के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, वो है लॉन्गर इंटरवल लर्निंग प्रोसेस। ये एक ऐसी लर्निंग प्रोसेस है जो कोई भी स्किल या हैबिट आपके अंदर इनग्रेन करने के लिए सिर्फ 21 डेज लेती है। एक रिसर्च के अनुसार 2 ग्रुप के लोगों को सेम टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया गया, पर डिफरेंस ये था कि इन दोनों ग्रुप्स को वो टास्क डिफरेंट टेक्निक से कंप्लीट करना था। एक ग्रुप को रैपिड लर्निंग प्रोसेस से काम करना था और दूसरे ग्रुप को लॉन्गर इंटरवल लर्निंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग। और इसलिए सर्वे के बाद में साइंटिस्ट ने पाया कि जिस ग्रुप ने लॉन्गर इंटरवल प्रोसेस को फॉलो किया, उस ग्रुप के लोगों का टास्क जो है ना, उसको पूरा कर पाने की सक्सेस रेट ज्यादा थी। ऑथर बेनेडिक्ट कैरी ने भी ये कहा है कि लर्निंग बगीचे को पानी देने जैसा काम होता है। अगर हम सारा पानी एक बार में दे देंगे तो वो बगीचे को हरा भरा रखने में हेल्प नहीं करेगा, बट अगर हम उसी पानी को इंटरवल में बगीचे में डालेंगे तो वो लंबे समय तक उस बगीचे को सुरक्षित और हरा भरा रख पाएगा। 21 लॉन्गर इंटरवल लर्निंग मेथड का तरीका ये है कि आप जो भी चीज सीखना चाहते हैं या याद करना चाहते हैं, उसे पढ़ेंगे या उसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसी सेम चीज को 24 घंटे के बाद में फिर से आप प्रैक्टिस करेंगे या पढ़ेंगे, फिर 7th डे पर रिपीट करेंगे और फिर 21st डे पर रिपीट करेंगे उसको। 21 दिन के बाद में आप ये एक्सपीरियंस करेंगे कि वो जो चीज है वो आपके दिमाग में बैठ गई है और आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। ये मैं नहीं, रिसर्च कहता है। वीडियो के आखिर में मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आप अपनी जिंदगी को और ज्यादा मीनिंगफुल तरीके से जीना चाहते हैं तो ये जो अपनी लाइफ में कुछ भी फास्ट सीखने वाली स्किल है ना, इसको जरूर डेवलप करें यार, क्योंकि सबके पास में टाइम लिमिटेड है। इस वीडियो में बताए गए सारे टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स आपको अपने इस मिशन को पूरा करने में हेल्प करेंगे। और एक बोनस टिप ये है, जाते जाते मैं आपको दे देता हूँ, आप कभी भी किसी भी स्किल या हैबिट को सीखते टाइम मल्टीटास्किंग ना करें। आप जो भी करना चाहते हैं या जो भी आप सीखना चाहते हैं, उस एक चीज में अपना 100% डेडिकेशन दें, क्योंकि बिना फोकस के आपकी लर्निंग स्पीड और भी धीमी हो जाएगी। किसी भी प्रैक्टिस और लर्निंग का रिटेंशन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उस चीज को कितने फोकस के साथ और कितने बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के किया है। वीडियो के लास्ट में मैं इन सभी टिप्स को एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। अपनी लाइफ में कुछ भी जल्दी कैसे सीखें। टिप नंबर 1, मॉर्निंग एंड नाइट लर्निंग टेक्निक। टिप नंबर 2, 100% फोकस्ड लर्निंग एंड प्रैक्टिस। टिप नंबर 3, रिफ्लेक्टिव टीचिंग। टिप नंबर 4, पोमोडोरो टेक्निक।
टिप नंबर 5, लर्निंग फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो या चंकिंग। टिप नंबर 6, लॉन्गर इंटरवल लर्निंग प्रोसेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास में कोई भी ऐसी ट्रिक है, कोई भी ऐसा एक तरीका है जिससे कोई भी इंसान कुछ भी बहुत जल्दी सीख सकता है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय। जीत फिक्स।